आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे विभाग के सचिव महोदय जी आर सुब्रमण्यम जी, राधिका चक्रवर्ती जी, गिरिराज सिंह जी, राजेश मक्कड़ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथीगण, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यार हमारे सभी साथीगण, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से, एनजीओ से आए हमारे प्रतिनिधिगण, आज का कार्यक्रम जिसमें आप सभी ने देखा हमारे सचिव महोदय जी के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और भिक्षुक लोगों के लिए स्माइल योजना का लोकार्पण आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित होने जा रहा है। दोनों योजनाओं के बारे में जहां सचिव महोदय जी ने काफी विस्तृत रूप से बताया, लेकिन जिनके लिए योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है, स्माइल योजना जिनके लिए बनाई गई है, तो उनके बीच में से आकर यहाँ पर जब बात उनके द्वारा रखी गई, इसके साथ ही हमारे जो भिक्षुकों के पुनर्वास के क्षेत्र में बिहार सरकार और हमारे अन्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, उन्होंने आकर अपने जीवन के अनुभव को साझा करने का काम यहाँ पर किया। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत पहले इसमें काम करने की आवश्यकता थी। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका सामूहिक प्रयास, इस सबकी मैंने प्रतिध्वनि यहां पर देखी। मैं इस शुभ अवसर पर मंत्रालय की जो समाज के सबसे अधिक लाभ वंचित सामाजिक रूप से पिछड़े हुए दो वर्गों के अर्थात भिक्षावृत्ति में संलिप्त और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली ये जो योजनाएं हैं जिसमें लाभ वंचित लोगों के जीवन यापन और उद्यम के लिए सहायता स्कीम स्माइल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15/5/2014 के ऐतिहासिक निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के संकट के गहरे अंधकार से बाहर निकालकर प्रगति से भगत के उजाले की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय देने में तब तक पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे जब तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही ढंग से न्यायपूर्वक तीसरे व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं की गई। इस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने आदि के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति नियमावली 2020 बनाई। ये बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया और उस समय 2019 में जब बिल लाया गया था, मैं वहां पर आज मुझे इस बात का बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि एक सांसद होने के नाते जब यह बिल लाया गया था, मैंने इसमें अपनी बात इस बिल के संबंध में वहां पर रखी थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मुझे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समाज के इन वर्गों के बारे में हम सभी सोचते हैं, हम सभी के मन में कुछ ना कुछ करने का भाव भी आता है। मैंने जब देखा कि यहाँ पर अवनिया के द्वारा और रेशमा प्रसाद जी के द्वारा जब यहाँ पर बात रखी गई, वो शब्द तो छू लेने वाले शब्द थे। कभी हमने इस बारे में विचार किया जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग अपने घरों में भीतर नहीं बिठाना चाहते, घर के अंदर भोजन नहीं कराना चाहते। हमारे घरों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो ये हंसता हुआ चेहरा लेकर आते हैं आपके परिवार की खुशियों में, उसमें शामिल होकर बधाइयां देने आते हैं।